सर, जैसा कि मैंने बताया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ, उमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कुछ राष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रवाद के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जिनकी चर्चा अभी हम इसमें इस टॉपिक में करेंगे। सारे भारत में देश के हित में काम करने वाले लोगों को आपस में संपर्क बढ़ाने हेतु मित्रता की भावना उत्पन्न करने का प्रस्ताव पारित हुआ। एक, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा जाति पाति के भेदभाव धर्म आदि को संकीर्ण भावनाओं को नाश करने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। पूरे वाद विवाद में भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक संस्थाओं के बारे में सहमतियां प्राप्त कर उसका प्रमाणिक संग्रह करने का अधिकार प्रस्ताव पास हुआ। उन तरीकों के पर विचार करने का निर्णय हुआ जिसके अनुसार 12 महीनों में राजनीतिक देश के लिए कार्य करें। मतलब इसमें एक इतनी उदारवादी विचारधारा से, इतनी उदारवादी तरीके से इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 4 प्रस्ताव पास हुए। कांग्रेसी प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पास हुए, टोटल मिला के 9 प्रस्ताव पास हुए जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। वही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेफ्टी वॉल के रूप में भारतीयों में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति, अंग्रेजों की नीतियों के प्रति जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था, उस असंतोष को धीरे धीरे रिलीज करने का जो कार्य था वो उसकी उस रिलीज करने का कार्य को करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए रॉयल सुधारों की मांग की गई। रॉयल कमीशन नियुक्त करने, उसे केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में नामजद करने और भारतीय उसमें भारतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव था। अन्य प्रस्तावों में सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कराने की बात कि भारत और इंग्लैंड में वो साथ साथ हों, आयकरों में वृद्धि करने का भी मांग की गई। इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिससे पर पहले विचार विमर्श नहीं हुआ। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं ने इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव पास किए। अधिवेशन की समाप्ति पर AOU ने माननीय विट्ठल की जय के नारे भी लगवाए। मतलब ऐसे कहने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, परंतु AOU ने इस अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए प्रस्ताव के अंत में जो 9 प्रस्ताव पास किए गए थे जिसमें आयकर, विदेशी सामान पर सैनिक खर्च में कमी, भारतीयों का प्रतिनिधित्व में वृद्धि, इनके साथ साथ भारतीयों की मानसिकता को संतुष्ट करने या तुष्ट करने के साथ साथ इन प्रस्तावों के बाद विक्टोरिया की जय के भी नारे लगाए। इसका कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखने के लिए हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय चेतना को एक और नवीन अध्याय मोड़ प्रदान किया। यह अब इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ कि यद्यपि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों के समर्थन के लिए था, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक निश्चित मोड़ प्रदान किया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने। यह राजनीतिक चेतना स्मरण पत्रों, राजनीति का अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना का प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नदी के रूप में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ था। कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजी शासन को सौभाग्य की बात मानते थे और इसको प्रथम आवश्यकता भी मानते थे और भारतीयों की राजनीतिक आवश्यकताओं, राजनीतिक इच्छाओं को वो गौण मानते थे और इस हेतु वो उन्होंने अपने जो प्रस्ताव पास करने का प्रयत्न किया कि न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों की भारत में है उसको सफल चलाने के लिए कुछ भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व देकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम देकर, उसको भारतीयता का नाम देकर अपने शासन अंग्रेजी शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का एक प्रयत्न उन्होंने